धरती पर जीवन की शुरुआत कब, कैसी परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया के कारण हुई थी, उसकी सचोट जानकारी आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। लेकिन लॉजिकल तरीके से निकाले हुए कुछ कंक्लूजन है। लेकिन इस कंक्लूजन को सच साबित करने के लिए जो प्रूफ होने चाहिए वो बहुत ही कम है। जब पहला जीव उत्पन्न हुआ, उस वक्त के पुराने खड़कों का कोई सैंपल ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक वो मिला ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिक गलत जगह पर यह सब कुछ ढूंढ रहे हैं। वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बदले चंद्रमा पर अपना रिसर्च मिशन चलाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर इनके पुराने जीवों के अवशेष मिलना असंभव है। इसका रीजन पुराने समय में हुए खंडों के माइग्रेशंस, हजारों ज्वालामुखियां, अर्थक्वेक, जलाशयों के स्थलों में चेंजिंग, ये सब हो सकता है जिसने पृथ्वी पर के पुराने जीवों के प्रूफ्स को मिटा दिया। तो फिर इस रिसर्च में 4,00,000 किलोमीटर दूर का चंद्रमा कैसे मदद कर सकता है? अमेरिकन खगोल वैज्ञानिक जॉन आर्मस्ट्रांग और उनके साथी वैज्ञानिकों ने किए हुए रिसर्च के अनुसार आदिकाल से पृथ्वी की माटी, पत्थर, रेती, खड़के जैसे पदार्थों की 80,00,000 टन जितनी क्वांटिटी अभी भी हमारे चंद्रमा पर है। इस बात से आपको कन्फ्यूजन हो, उससे पहले मैं आपको 5 बिलियन ईयर्स पहले के समय में ले जाना चाहता। एक समय था जब चंद्रमा का अस्तित्व नहीं था, तब पृथ्वी अकेली थी। तब किसी रैंडम घूमते हुए प्लेनेट ने विनस के बड़े गोले को टक्कर मारी और उसका पूरा धरी ब्रह्मांड ही उल्टा दिया था। ऐसे ही मंगल जितना एक बड़ा प्लेनेट अर्थ के साथ टकराया था। तब अतिशय गर्म अर्थ क्रस्ट का करोड़ों टन भंगार अंतरिक्ष की तरफ उड़ा, जिसमें मेनली लावा जैसे पदार्थ थे। और ये सब पदार्थ वर्षों तक अर्थ के आसपास घूमते रहे और सिकुड़ते रहे, और बाद में वो चंद्रमा बना। बहुत समय हुआ और पृथ्वी पर जीवन सृष्टि पनप उठी। लेकिन जॉन आर्मस्ट्रांग जैसे रिसर्चर ऐसा मानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर समय के चलते छोटी मोटी उल्का और प्लेनेट की टक्कर होती रही, और उसके चलते पृथ्वी के कई पदार्थ उड़कर चंद्रमा पर पहुंच गए। वैसे इस संभावना को नकार नहीं सकते, क्योंकि साल 1984 में चंद्रमा के साउथ पोल पर मंगल की 15 सेंटीमीटर लंबी और ALH 84001 लेबल वाली उल्का मिली थी, जिसने मंगल ग्रह पर हुए किसी प्लेनेट के टकराव के कारण उछल के करोड़ों किलोमीटर घूमकर पृथ्वी तक पहुंची थी। ऐसे ही पृथ्वी के कई माटी और पत्थर चंद्रमा पर पहुंच गए, ऐसा जॉन आर्मस्ट्रांग का मानना था। उल्का के टक्करों का समय चक्र 60 करोड़ साल का माना जाता है, उसके बाद वो कम होते गए। इस दौरान अर्थ के कई जियोग्राफिकल सैंपल चंद्रमा पर पहुंच चुके थे। इससे ये बात श्योर होती है कि कई जियोग्राफिकल सैंपल में पहले जीव के रासायनिक घटक और बैक्टीरिया के सैंपल चंद्रमा पर होने चाहिए। अगर ये सैंपल मिल जाए तो शायद इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जीवन कब और कैसे शुरू हुआ। ऐसे रहस्यों को जानने के लिए देखते रहिए द कॉस्मोस शो।